I'm really sorry, Mr. Wagle. आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और मैंने आपसे इतने रूडली बात की. I'm really sorry. I'm sorry, Mr. Bosley. वो actually कल और आज ऑडिट के चक्कर में इतना स्ट्रेस हो गया था कि. It's okay. I understand your position. देखिए, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो शायद मिस्टर वागले आप लोगों को कभी नहीं बताते. इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से छूटने के बाद मैं इन्हें इनके घर छोड़ने जा रहा था क्योंकि मैंने इनके फैमिली से प्रॉमिस किया था, बट इन्होंने जिद की कि घर से पहले इन्हें ऑफिस जाना है, इसलिए यहाँ है आप लोगों के बीच. Once again, I am really sorry, Mr. Wagle. नहीं, please don't say that. मैं समझ सकता हूँ आपकी पोजीशन. इतना प्रेशर हैंडल करना आसान बात नहीं है. मिस्टर वागले, एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है उसके लोग, उसके एम्प्लॉय. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू टू हैव यू इन आवर टीम. यू इंस्पायर अस. इस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ. अरे नहीं, एक ऐसा कुछ नहीं. ऑन अ लाइटर नोट, चंदू. हाँ मार्फतिया जी, दासानी. यस सर. क्या हाल है, मतलब नौकरी है या है, नहीं सर? अगर आप और दो दिन नहीं आते तो पक्का चली जाती. आई नो. तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं ऑफिस में और जो रायता फैलाया है वो समेटते हैं. Yes, कल लंच में कोई रायता मत लाना. हाँ, जो आपने फैलाया वही खाएंगे. अरे सर, आप भी है ना. मम्मी. पता है राजू, कल की रात तेरे पापा और मैं हमने कैसे गुजारी तू नहीं समझ सकता. मैं जानता हूँ मम्मी, मैं जानता हूँ. I'm sorry मम्मी. I'm sorry पापा. मैं बेटा, अरे तूने कोई गलती की नहीं. Actually सॉरी तो मुझे बोलना है और आप सबसे बोलना है, लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसे सुन के आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा. पिछले 48 घंटे में आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सहा आप लोगों ने, उस दुख और दर्द को मैं मिटा तो नहीं सकता, लेकिन आपकी फैमिली की वजह से कल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 23 लोगों के एक बड़े गैंग को पकड़ा है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे. इतना बड़ा गैंग? तो आपने वो मिस्टर भल्ला को पकड़ा जिन्होंने मुझे कॉल किया था? हाँ, लेकिन उसका असली नाम डॉक्टर असलम अंसारी है. और हैरानी की बात यह है कि वो असली डॉक्टर भी नहीं है, बल्कि वो एक फर्जी डॉक्टर है. फर्जी डिग्री लेकर के जोगेश्वरी में वो अपना मुफ्त का दवाखाना सिर्फ इसलिए चलाता था ताकि वो गरीब और मजबूर पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रस्ट जीत सके और बाद में उनके अकाउंट का इस्तेमाल वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करता था. डॉक्टर का चोला पहनकर ये देश की अर्थव्यवस्था को बीमार करते हैं. ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस क्राइम करने से पहले ये 100 बार सोचे. निर्लज्ज. ऐसा ही होगा अंकल. सत्य में वो जयते आज भी रिलेवेंट है. इन अपराधियों की वजह से सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो सकता है,
लेकिन पराजित नहीं। So, हमारी इस जीत में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। वंदना जी, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन इस केस को और इस वागले फैमिली को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। एक मिनट ऑफिसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर। सर, राजेश भाई को छोड़ दिया आपने? हाँ, आपके दोस्त आ चुके हैं, जाइए मिलिए। अर्शद भाई। थैंक यू। सुनहरी काया स्किन क्लिनिक, यहाँ कौन गया था? मैं गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप कोई सेलिब्रिटी लाएंगे तो ही हम स्पॉन्सरशिप देंगे। और ये खुशनुमा बेकरी, यहाँ तो आप गई थी ना यामिनी भाभी? हाँ, लेकिन बदनुमा होके वापस आ गई। हाँ? उनके लिए 10,000 बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 4,000 की स्पॉन्सरशिप दे पाएंगे। हाँ तो 4,000 लीजिए ना। भागते भूत की लंगोटी सही। हाँ? हाँ? क्या हिंदी का क्वेश्चन है? मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। अरे तो वही हुआ ना, स्पॉन्सरशिप 4,000 की मिले या 2,000 की, ले लेनी चाहिए ना। अच्छा बाय द वे, दक्कू भाई ने कहा था ना कि हर स्पॉन्सरशिप पे वो 10,000 रुपए देंगे। हाँ, लेकिन दक्षेश भैया ने ये थोड़ी ना कहा था कि हमें किससे कितने की स्पॉन्सरशिप लानी है। स्पॉन्सरशिप ज्योति भाभी? हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं मतलब हम किसी से कितने भी रुपयों की स्पॉन्सरशिप लेकर आए, उसके बदले में दक्षेश भैया को तो फंड में 10,000 रुपए डालने ही पड़ेंगे ना। पर ये तो गलत है ना, चीटिंग है उनके साथ। अगर ये चीटिंग नहीं की तो दांडिया नाइट्स कैंसिल हो जाएगी, अभी तक की हुई सारी मेहनत असफल हो जाएगी। मतलब हम, मतलब जिससे जितना मिले उतना बटोर लीजिए। दक्कू को सिर्फ लिस्ट देनी है, दे दीजिए। ग्रेट ब्रो, समझा मुहावरे का अर्थ। तुम लोग क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हो? अरे अच्छा ज्योति भाभी, वंदना केटरिंग सर्विसेज की तरफ से भी 10,000 रुपए लिख लीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, इसी बात पे बोलो गणपति बाप्पा। मम्मा। ओहो, बंठन के कहाँ चली सवारी? वो विवान के मॉम डैड आए हैं ना यूएस से, तो उन्होंने हम सब फ्रेंड्स को मिलने बुलाया है। ओ तभी इतना तैयार होके जा रही हो, विवान के पेरेंट्स के साथ मीटिंग। तो चुप बैठेगा तू, क्यों इतना शर्मा रही है? नहीं शर्मा नहीं रही हूँ। अच्छा मैं निकल रही हूँ, गुनगुन और शिखर वेट कर रहे हैं नीचे। बाय। अच्छा गाइस सुनो सुनो, फोरम पटेल के डांडिया नाइट के पासेस अरेंज हो गए परसों रात के, रेडी? व्हाट, ऑफ कोर्स गाइस, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। क्यों? हाय एवरीवन। हाय आंटी। हाय आंटी। हाय। सबसे पहले मैं तुम सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरी एब्सेंस में तुम लोगों ने विवान का ध्यान बिल्कुल फैमिली जैसे रखा है, थैंक यू सो मच। आंटी जिन दोस्तों को थैंक यू बोलना पड़े वो दोस्त किस काम के। वाओ सखी, सो नाइस ऑफ यू। मैं तो यही मानती हूँ कि दोस्तों में ना परिवार वाला अपनापन होना चाहिए और परिवार में दोस्तों वाला खुलापन। ट्रू है ना? अब समझ में आया कि विवान की हर दूसरी बात पर सखी का जिक्र क्यों होता है। सखी है ही इतनी प्यारी और समझदार। थैंक यू आंटी। वाओ सखी, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद यू। वैसे आप लोग खड़े क्यों, बैठ जाओ। I'll get something to drink. So I must say Vivan, you have good company of friends. So kids, क्या future plans हैं आप लोगों के? अंकल वैसे करियर वाइज मेरे काफी इंटरेस्ट है, लेकिन आई वॉन्ट टू डू समथिंग अराउंड एंटी एजिंग इंडस्ट्री। That's interesting. पर तुमने यही फील्ड क्यों चुना? वक्त के साथ ना सबकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। सो आई वॉन्ट टू केटर ऑल सच पीपल।
वो कैसे फिगर आउट करना बाकी है, लेकिन अभी के लिए यही है। ब्रिलियंट प्लान। सखी। सखी, या। हाँ। बट आई एम शॉक्ड विवान, इतने एम्बिशियस फ्रेंड सर्कल में रहने के बावजूद भी विवान इतना अनएम्बिशियस, इतना क्लूलेस कैसे रह गया? फोन। एक्सक्यूज मी, या हेलो, नो 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 शशि, आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। एक तो तुमने आज की छुट्टी ली, अब तुम्हें कल की भी छुट्टी चाहिए? तुम्हें सैलरी ऑफिस में काम करने की मिलती है या फिर छुट्टी लेने की? नो, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं। तुम्हारी कल की छुट्टी कैंसिल, अंडरस्टैंड? मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? आप आइए ना सर। क्या रहा मैम, सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। बैठिए मिस्टर वागले। थैंक यू मैम। एक मिनट भाई, मुझे बोला है, मैनेजर मैं हूँ। हाँ, दरअसल बात ये मैम कि फेस्टिवल के दौरान हमारा जो स्टाफ है वो ओवर टाइम किए जा रहा है। नवरात्रि भी सेलिब्रेट करने को नहीं मिलती है उन्हें, तो वो चाहते हैं कि यहाँ ऑफिस में ही डांडिया रास मनाया जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.